घर आ गया और हुज़ैफ़ा चिल्ला रहा था मुझे बकरा घर में गिर गया और हालत कुछ ऐसी हो गई है इसकी। सुबह बखैर, सुबह के 6 बज गए हैं और आज हमारी एक्सरसाइज में वहाँ से हमने मिट्टी उठानी है और किचन में डालनी है और वो जो सामने वाला रास्ता है वहाँ पर डालनी है, उसका लेवल हमने बराबर करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वर्जिश शुरू करते हैं और हमारा काम भी हो जाता है और हमारी वर्जिश भी हो जाती है। सो टाइम जो हम काम करते हैं वो हम वर्जिश समझ के ही करते हैं और फिर दिन के वक्त गर्मी में जो करना पड़ता है वो मजबूरी समझ के करते हैं। तो काम करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं शेर मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काम में मैंने सारा दिन मेरा हाथ बटाती है, जहाँ मैं जाता हूँ पीछे पीछे। सुबह टाइम मैं नमाज़ पढ़ रहा था और ये मेरे आगे पीछे हो रही थी, कभी पाँव में और कभी आगे आ जाती। तो मैंने जो है वो हमसे लाड़ियाँ करती है, तंग नहीं हम कहेंगे क्योंकि बड़ा ही मासूम सा जानवर है। आज फिर ड्रम हमने यहाँ पर रख लिए क्योंकि आज हमारे घर की लिपाई का काम शुरू हो चुका है और लिपाई ना करते तो इस तरह से कि दराड़े पड़ रही हैं सारी, जो पहले वाली लिपाई की थी उसके बाद फिर एक लिपाई होनी है। सर लग रहा है अब कमरा लिपाई करने के बाद, ये फाइनल लिपाई नहीं है, इसके बाद एक और दो पार्ट लग रही है। ये वाली साइडें भी बन गई हैं और ये भी, और हम अंदर से भी ऐसी लिपाई करेंगे। इसे कह रहे हैं खजियों वाली लिपाई, जिस तरह खजूर के पत्ते होते हैं इस तरह से। मोबाइल मेरा गारे में गिर गया और हालत कुछ ऐसी हो गई है इसकी, दुआ करें बच गया हो। आराम से इसका कवर उतारते हैं और मेरे ख्याल से कैमरे में गया है, कुछ ऐसी हालत हो गई है। मिठाई वाले डब्बे में दाने डाले और कह रहा है मिठाई ले लो। दिन का 1 बज गया और लाइट चली गई है, तो इसलिए हमने बाहर जगह बना ली है बैठने के लिए, कुछ ऐसी ठंडा ठंडा साया भाई और हवा भी चली हुई है। कैसा लग रहा है? साथ में ये जो पबरी का पौधा है इसकी भी खुशबू लेते रहेंगे। आज जुमातुल मुबारक है और हम अभी अभी नमाज जुमा अदा करके आए हैं, आते ही लाइट फिर चली गई है, गर्मी बन गई है। मैंने सोचा मैगी मैरी को नहलाया जाए क्योंकि जैसे मैं आया हूँ उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया है और महसूस हो रहा है कि वो अभी जो है उनको गर्मी लगी है। तो बिजली है नहीं, मोटर हम चला नहीं सकते, ठंडा पानी है नहीं, तो मैगी मैरी को नहलाने के लिए हम लेके जा रहे हैं बाहर नलके पे। आ जाए मैगी मैरी, जा रहे हैं नलके पे नहाने के लिए। शजीब की साइकिल कैसे पड़ी हुई है? ऐसे कर दी किसने गिराई है? अब उठा के उधर साया में कर दो। सामने साया भी आ चुका है हमारे नीम के पौधे का, बस इधर ही खड़ी कर दो क्योंकि अभी तक खुश्क हो रही है। आज इनको भी उठा देते हैं, यहाँ पर रखें जी और चलाए नलका, साइड भी हो गया। मैंने इस साइड पे गई है और उसको कवे तंग कर रहे हैं,
कभी जब भी शोर मचाते हैं मुझे पता चल जाता है कि ये मैंने के दवाले हुए हैं। और हमारा कमरा जो है वो बाहर से आज इसकी लिपाई हो चुकी है और कुछ ऐसा लग रहा है। साफ साफ हो गया। अब इस लिपाई के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पोचा और वो बिल्कुल एक स्मूथ और फिनिशिंग अच्छे वाली हो जाएगी। नमाज़ जुमा अदा करने के बाद वापस घर आए तो खाना खाया दोपहर का हमने, थोड़ी सी रेस्ट की है और अब मौसम माशाल्लाह ठंडा ठंडा हो गया है। वैसे हवा तो दिन को भी चली हुई थी लेकिन गर्म हवा, लूएँ जो हैं अब चलना शुरू हो चुकी हैं, लू मीन गर्म हवा। और अभी हम जा रहे हैं अपना बकरा लेने के लिए जिसका इंतज़ार था कि कब बकरा हमारे घर आएगा, और जब मैं लेके आऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि हमने वो बकरा कितने में लिया है और बकरा कैसा है। वैसे मैं अपने एक व्लॉग में दिखा चुका हूँ, दो दिखाए थे उनमें से एक हमने ले लिया है फाइनल। हमारे मड हाउस में इतना ज़्यादा काम नहीं है, सुबह टाइम ही जो था काम वो हमने कर दिया और उसके बाद फिर लिपाई का काम था और लिपाई का काम हमारा नहीं है तो निकलते हैं बकरा लेने के लिए। बाइक हमारी रेडी हो गई है और जी बेटा अच्छा चलाता हूँ। जैफा कह रहा अभी बाइक चलाओ, मैंने आवाज़ सुननी है। और सुबह टाइम हमने पौधों को पानी लगा दिया था, अब हम वापस आके ही लगाएंगे क्योंकि बकरा पहले लेके आते हैं। नहीं उधर से नहीं जाना। और जैफा कह रहा यहीं चला के दिखाओ बाइक मुझे। सही है, ओके हो गया, ओके हो गया जी। दरवाज़ा नहीं खोला हमने। बकरा हमारे पहले ही हमारे इंतज़ार में था लेकिन एक मसला बन रहा है कि ये मारता है, इसको लेके कैसे जाना है ये चेक करें। अभी से ये शरारतें कर रहे हैं, लत्ता फाद तो लत्ता फाद के तो पीछे बाहर छोड़े इसको। पिछले ले क्या? हाँ जी प्यार से यार। फाइनल खैरियत से बकरा पहुंचा है और रात ही उसने भी खाना पीना शुरू कर दिए, लेकिन मुश्किल से लेके आए हैं हम। गुस्से वाला था, मारता था और ऊपर से अच्छा उसे पता है इधर जाना है। चलें? नहीं अब ये लालच सही है, अब आएगा। वेलकम टू माय स्वीट होम। इन दरख्तों पे शाम के वक्त ये टीं टीं कोई चीज़ कर रही होती है, ये है छोटा सा कीड़ा ही, आवाज़ इसकी इतनी ज़्यादा कानों में गूंजती है। माँ जी बकरा आ गया, कहाँ खड़ा करना है? घर आ गया और हुज़ैफ़ा चिल्ला रहा था मुझे बकरा दिखाएं बकरा दिखाएं, ये आ गया बकरा हुज़ैफ़ा का। कैसे बिल्ली भी आपकी और बकरा भी आपका, सही है? ये खा रहा है। माँ जी कैसे? चले आए इधर इधर इधर। ओए ओए कोनू को पड़ गया भाई, हर चीज खाते हैं अच्छे से, अच्छी बात है जो हर चीज खाते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है सिवाय सब्जी के। और हम जा रहे हैं क्या ढूंढने के लिए? किला। अब किले को पता है उर्दू में क्या कहते हैं? शायद आपको पता है किले को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या? किला। किला किला मीन वो जो लकड़ी का होता है जो उसके साथ जानवर बांधती हैं। शजीब कह रहा जी किले को कीला कहते हैं। इनको कीला कहते हैं। किनको कीला कहते हैं? इसको, ये जो लगा। सही है। हमारे भी बकरी आ गई है। हाँ हमारा बकरा है। एक और चीज़ आपको हमने नहीं दिखाई, आप ही लोगों की बकरी भी आ चुकी है, ये शहजेब लोगों की है माशाल्लाह। फिर बाद में इसके रेट बताते हैं आप। और मैंने किसी चीज़ पर ताक लगा के बैठी हुई है, किसे ढूंढ रही हो? अपने शिकार के लिए बैठ गई है। शजीब ये आप ले जाओ, मैं यहाँ से ढूंढ लाता हूँ और शायद हमें कुल्हाड़ी की भी ज़रूरत पड़ जाए। ये सही है, इसको काट लेते हैं यहाँ से। पहले हम ये लगाने लगे थे लेकिन ये बहुत ही मोटा है, ये सही रहेगा।
शजीब क्या है ये? कीला। कीला। ये कीला बहुत अच्छा। उज़ैफ़ा को क्या हुआ? क्या हुआ उज़ैफ़ा? यार जानबूझ के करता है, बड़ा शरारती बंद है। ये भी छोटा है इसलिए कहा गया कि आप ये ना करें क्योंकि इसमें ताकत काफ़ी ज़्यादा है ना। मैंने क्या करती है साइड पे, थोड़ा सा साइड पे फिलहाल। और शजेब किया है इसी साइड पे, पुत्र भिरड़ है दे मुझे इधर ही नहीं। कीले बहुत पड़े हैं वहाँ के, कीले पड़े हैं ना तो उठा के लाओ एक कीला, कीला। और ख्याल से नीचे उतरने डे मोत बाज के मेरा चैन डेमो एक भी नहीं है मुझे नजर आ रहा। कौन सा वो देख, ये कैसा दिखाओ इसको काट रहे। हाँ ये सही ये। हाँ वो मुझे दे दे, ये फिर भी सही है। बकरे के बांधने का बंदोबस्त करें और घर जा रहे हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, घर जा रहे हैं। अच्छा इसमें पक्की रोड़े जो हैं वो डाल देते हैं और उसके बाद फिर पट्टी टेढ़ा हो रहा है। छोड़ो शजीब पक्का करके रख के भाज गया है। तुक्के भी खा जाता होंगे अभी कह रहे। ठीकर की फलियाँ वैसे एक शौक से खाते हैं। फाइनल हमारे बकरे के बांधने का इंतज़ाम हो गया है। बकरा बहुत ही शरारती लग रहा है। शजीब इसको पकड़ के रखो, मैं इसे खाने का इंतज़ाम करके लाता हूँ। और बकरे का जो हमें लग रहा है कि फेवरेट है वो है जंतर का ये वाला पौधा, इसलिए हम तोड़ रहे हैं यहाँ से मज़ीद जंतर। और ये तोड़ना भी आसान है। इसको फिर चारा भी डालते हैं हम। फिलहाल इस पे गुजारा करेगा ये। शाम होने वाली है तो बकरे के खाने का बंदोबस्त अभी से कर देती हैं। ढलती शाम भी देख आते हैं और जाके चारा भी काट आते हैं। ये हमारी बरसीम की फसल थी जो कि खुश्क हो चुकी है। अब इसकी गहाई करवा के इसमें से बीज निकलवाना है बस, और ये किसी काम की नहीं है। अब बेली की देखिए नया पौधा हमें मिल गया। और ये है किस चीज़ का पौधा, इसके ऊपर इस तरह की डोडियाँ बनी हुई हैं और ये बिल्कुल उबारे की तरह ये डोडियाँ जो है, और इसके अंदर भी कुछ है। क्या है? अच्छा मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का पौधा है, अगर आपको पता तो ज़रूर बताइएगा। ये देखें चारा हमने काट लिया, कुछ चारा मैं लेके जा रहा हूँ और कुछ अतीक लेके आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा वगैरह नहीं था इसीलिए अलग अलग। तुझी खानी खड़ोती हो, मैं बकरे कर ले जाने। और ये तो भाई रात को आवाज़ इसकी ज़्यादा तेज़ हो गई, टी टी कर रही है। परेशान नहीं होना, खाओ। हम बकरे लेके आए तो बकरे के बांधने का इंतज़ाम हमने फ़ौरन करना था। मैंने कपड़े तब्दील ही नहीं किए और इन्हीं कपड़ों के साथ और उसके जो है ना किले वगैरह वो लगाने शुरू कर दिए मैंने, तो कपड़े ख़राब हो गए हैं, पसीना उतरा है। लेकिन ये है कि बकरे को हमने सेटल कर दिया अच्छे से, उसको बांध भी दिया है और उसके लिए हम चारा भी लेके आ गए थे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।